व्यक्ति जो साबरमती के आश्रम में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आश्रम में शांति सभा पर हमले करवाए, क्या ऐसा व्यक्ति दिल्ली का एलजी होना चाहिए? आप कोर्ट से भाग रहे हैं, कोर्ट से क्यों भाग रहे हैं? और ये सवाल बीजेपी के लोगों से है, देश के प्रधानमंत्री से है और खुद विनय कुमार सक्सेना से है। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसको देखकर आपको भी शर्म आएगी, दिल्ली वालों को भी शर्म आएगी, पूरे देश के लोगों को शर्म आएगी, लेकिन एक व्यक्ति को शर्म नहीं आएगी जिसका नाम है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने ही उस व्यक्ति को दिल्ली का एलजी बनाया है। मैं आज आपके सामने जो वीडियो दिखाऊंगा दिल्ली के एलजी का, वो शर्मनाक वीडियो देखकर आप खुद अपने दिल और दिमाग से सोचिएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति जो ऑर्गेनाइज्ड गिरोह को लीड करे, ऐसा व्यक्ति जो हिंसक समूह का सरगना हो, ऐसा व्यक्ति जो साबरमती के आश्रम में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आश्रम में शांति सभा पर हमले करवाए, ऐसा व्यक्ति जो मदर टेरेसा के नाम पर मिले सम्मान और ह्यूमन राइट्स के नाम पर मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाली देश की प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, महिला सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर पे हिंसक हमले करवाए, क्या ऐसा व्यक्ति दिल्ली का एलजी होना चाहिए? यह आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा और देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछिएगा कि देश के प्रधानमंत्री जी, आपने हिंसक समूह के सरगना को दिल्ली का एलजी कैसे बनाया? आरोपी नंबर 4 साबरमती के आश्रम में हिंसा के आरोपी नंबर 4 मेधा पाटकर पर हमला करने वाले गिरोह में आरोपी नंबर 4 दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना का ये वीडियो आप देखिए। और ये सवाल बीजेपी के लोगों से है, देश के प्रधानमंत्री से है और खुद विनय कुमार सक्सेना से है कि आपने इस घटना को अंजाम क्यों दिया और क्या आपको न्यायालय के सामने जाकर पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहिए? आप कोर्ट से भाग रहे हैं, कोर्ट से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इस मामले में एलजी को सजा हो जाएगी। कोर्ट से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि एलजी को मालूम है कि अगर न्यायालय के सामने गए और यह मामला चला तो उनको निश्चित रूप से सजा होनी है। साक्ष्य पूरा मौजूद है, वीडियो एविडेंस के साथ मौजूद है और वो आपके सामने है। इसको जरा देखिए आप। क्या ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का एलजी रहना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति को न्यायालय से सजा नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति को कोर्ट के सम्मन के बावजूद कोर्ट में पेश होने से, हाजिर होने से मुक्ति मिलनी चाहिए? ये सारे प्रश्न हम लोगों के हैं। इस केस के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको रीना जी, जो हमारी स्पोक्स पर्सन है, वो बताएंगी। और मुझे सिर्फ यही कहना था कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही शर्मनाक काम किया है, जो बापू के आश्रम में हिंसक हमले को, हिंसक समूह को लीड करता है
उस व्यक्ति को दिल्ली का एलजी बनाया है। आज जो हमारी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही होंगी, देश के करोड़ों लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो जरूर सोच रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी किस तरीके से काम करते हैं। महिला के ऊपर हमला करने वाले, एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर हमला करने वाले, हिंसक समूह के सरगना को एलजी जैसे पद पर बिठालते हैं, एलजी जैसे पद पर उनको सुशोभित करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है।